चोटपथ की श्रृंखला में आज हम संत कबीर नगर जिले में हैं। संत कबीर के निर्वाण स्थली की विरासत को सहेजे इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, धनघटा, मेहदावल और खलीलाबाद। अगर हम साल 2012 के चुनाव की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती थी और 1 सीट पीस पार्टी के हिस्से में आई थी, लेकिन 17 के चुनाव में मोदी मैजिक ऐसा चला कि 3 की 3 सीटें बीजेपी के हिस्से में चली गई। एक बार फिर चुनाव में नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड होगा, किन मुद्दों पर जनता इस बार अपना विधायक चुने जा रही है, इन तमाम बातों को लेकर आज हम इस जिले के लोगों से करेंगे बात और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में उनके लिए ये तमाम मुद्दे कितने अहम रहने वाले हैं। क्या काशी क्या उसर मगहर, राम बसे मन मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन निहोरा। संत कबीर दास जी ने कहा था कि काशी और मगहर में कोई फर्क नहीं है और चाहे वो वहाँ पे अपना अंतिम समय बिताएं या फिर मगहर में बिताएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसी मगहर में हैं जहाँ पे संत कबीर दास जी ने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे और आज पूरे विश्व में ये जगह है जो कबीरपंथी हैं उनके लिए एक तीर्थ के समान है। साल बीतते गए, दशक बीतते गए, लेकिन संत कबीर नगर की ये जो स्थली है, समाधि स्थली, उसको लेकर के पिछली सरकारों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो यहाँ के जो कबीरपंथी है उनके नज़र में बहुत बड़ा काम हुआ हो। हमारे साथ तमाम ऐसे कबीरपंथी हैं जो यहाँ पे पिछले कई सालों से आते हैं और सदगुरु कबीर साहब की ये जो समाधि स्थली है यहाँ पे आकर के समय गुजारते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इस बार जो काम यहाँ पे हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ साल पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी थी, उसका कितना असर है और 22 के इलेक्शन में ये जो सौगात है वो कितना बड़ा कबीरपंथियों का जो साथ है वो बीजेपी के साथ आएगी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामशरण दास है। रामशरण दास जी, जब प्रधानमंत्री जी आए थे उसके बाद से जो विकास की योजनाएं यहाँ पे बनी है, तमाम चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, कितना लगता है कि कबीरपंथी जितने हैं वो कितने खुश हैं और संत कबीर दास जी की ये जो स्थली है वो कितना डेवलप हो रही है? जी, जब से प्रधानमंत्री 28 जून 2018 को आए थे तब से लगातार कबीर साहब के पहले इस विकास नहीं हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो वास्तव में 56 करोड़ का लागत से यहाँ पे कबीर एकेडमी का निर्माण हुआ और तमाम चीज़ें बन रही है, जो लगातार विकास चल रहा है, लेकिन अभी वो काम पूरा नहीं हो पाया जितने जल्दी हो जाने चाहिए थे। उस तरफ से समाज को लाभ ज़रूर मिलेगा। जी, अच्छा, लाभ मिलेगा और इसी लाभ की वजह से अगर कहें तो एक बार फिर से जो प्रत्याशी हैं यहाँ के बीजेपी के या जो भी पार्टी है वो इसका नाम लेकर के एक बार फिर 22 के इलेक्शन में जा रही है। आपको लगता है कि लोग इस बार फिर बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की रही और बीजेपी ने इस काम को यहाँ पे किया? जो समाज में काम किए होंगे उस हिसाब से जनता उनको तो मत देंगे ही, वो तो जनता का विषय है। जिस हिसाब से आप समाज में काम करेंगे, जिनके भाव विचार में अच्छे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उस प्रत्याशी को लोग जिताएंगे। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम कामरेड रुस्तम खान है। क्या लगता है कि कितना यहाँ पे जो विकास की योजनाओं की बात की गई वो हुआ है और 22 में उसका कितना असर आप देख पा रहे हैं यूपी में? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो पहले आप विकास की बात करें फिर चुनाव की बात करें। तो विकास के मामले में माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद, इससे पहले बहुत सारे लोग आए, राष्ट्रपति भी आए, कई देख करके चले गए और यहाँ पर तमाम तरह के काम हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कबीर एकेडमी बनवाने का काम शुरू किया जो मौजूदा वक्त में कार्य चल रहा है। ये बड़ा सराहनीय काम है और कबीर साहब को के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा के लिए सिर्फ कबीर एकेडमी ही महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ के विकास जो है, यहाँ के लोगों का जो पलायन है, यहाँ के लोगों का जो लोकल लोगों का पलायन है वो आज भी जारी है। इस पर सियासी पार्टियाँ वोट भले ही ले लें, लेकिन हमारा पलायन, हमारा उद्योग चौपट है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, कबीर साहब के नक्शे, कबीर साहब की समाधि स्थल को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करना चाहिए और जितना इन्होंने किया वो सराहनीय कार्य है। बताइए सर, खलीलाबाद की अगर हम बात करें या पूरे संत कबीर नगर जिले की बात करें तो 22 में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या एक बार फिर से बीजेपी ने जो 17 में करिश्मा किया था दोहरा पाएगी वो? 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और उससे ज़्यादा अधिक संख्या में हम जानते हैं कि जीत करके आएगी, क्योंकि हर वर्ग के हर तबका में भारतीय जनता पार्टी ने काम कर किया है, चाहे महिलाओं के
आपके उत्थान के बारे में हो, किसानों के उत्थान के बारे में हो, बेरोजगार नवयुवकों के बारे में हो, किसानों के बारे में हो, ये सारी योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 कार्यकाल के शासनकाल में पूरा किया है। योगी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। इसमें सभी वर्ग खुश हैं। आज चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनाने में पूरी जनता तन मन धन से जुटी हुई। नाम बताइए अपना सर। मैं अश्विनी कुमार गुप्ता। अश्विनी जी ये बताइए, आपके यहाँ के जो विधायक थे जो बीजेपी से जीते थे वो अब साइकिल की सवारी करना शुरू उन्होंने कर दिया, क्या लगता है कि कुछ वो जो उनके साथ के लोग थे सपा में इस बार जा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं जाएगा, वो पहले से ही थे, बसपा में थे। बसपा उनका इतना पैसा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, विधायक बने, उनका सपना पूरा हुआ। हो सकता है कि जनता की अपेक्षाओं पे वो खड़ा नहीं उतर पाए, अपने काम नहीं किए, इसलिए पुनः वह सपा का दामन पकड़ लिए। तो ऐसे लोग आते जाते हैं, उनसे विकास नहीं, लेकिन जो अस्थायी रूप से मूल हुए, आप कभी चौड़ा परिसर को देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए और यह कई वर्षों से भी उपेक्षित थी, विराम थी, लेकिन आज कभी चौरा देख कुछ दिनों के बाद आपको देखने में महसूस होगा और आपको स्वयं अगर पहले आए होंगे तो आपको प्रतीत होगा। बिल्कुल, नाम बताइए सर अपना। रंजीत कुमार। रंजीत साहब ये बताइए, जो एक यहाँ पे विकास का काम चल रहा है, आपको लगता है कि 22 में जब ये चुनाव इसमें आने वाले 1-2 महीनों में होने जा रहे हैं तो ये विकास मुद्दा बनेगा या फिर पिछले सालों की तरह से पलायन, धर्म और ये तमाम चीज़ें मुद्दे रहेंगे? देखिए, जो विकास कार्य हो रहा है यहाँ कबीर चौरा परिसर में, इस बार इस विकास कार्य को लेकर संत कबीर नगर में जो मगहर कबीर चौरे में विकास हुआ है, इस विकास को लेकर हम तीनों विधानसभा फिर जीतने जा रहे हैं। तीनों सीटों भाजपा की झोली में जा रही हैं संत कबीर नगर की। अच्छा, आपको लगता है तीनों सीटें फिर जा रही हैं, 22 में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? सर नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम संदीप वर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। 300 के पार हम जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भय मुक्त उत्तर प्रदेश योगी जी ने जो दिया है वो भय मुक्त, आप देख सकते हैं कि महिलाएं, बच्चे सब खुशहाल हैं। सर, आप अपने विधायक को तो रोक नहीं पाए, विधायक आपके साइकिल की सवारी कर गए, कहीं ना कहीं उनके मन में भी था ना कि विकास नहीं हुआ इसलिए अब जनता माफ नहीं करेगी तो साइकिल में चले गए वो। जी देखिए, विधायक जी का व्यक्तिगत निर्णय था, पार्टी जो है वो उनको, पार्टी जो है जो काम नहीं कर पाए तो वो पार्टी जो है वो चले गए पार्टी छोड़कर। वो उनका व्यक्तिगत विचार था, ना कि पार्टी ने उनको कोई निर्णय लिया। सर इंद्रदेव कुमार, यहाँ की अगर हम बात करें, पूरे संत कबीर नगर की बात करें, 3 विधानसभाओं की बात करें, 17 में यहाँ पे बीजेपी ने तीनों के तीनों सीटें जीती थी। एक उम्मीद थी लोगों को कि विकास होगा, जो मिल यहाँ पे बंद थी वो शुरू होगी, इसका जो डेवलपमेंट है कबीर स्थली का वो होगा। कितना सरकार ने अपनी बातों पे जो यहाँ पे विकास है उसको किया है और 22 में क्या लगता है कितना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं? सर 22 में परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और जो सरकार कार्य कर रही है वो सराहनीय है और हम तो चाहते हैं कि भाई जो विकास करे और मुद्दे को, समस्याओं को हल करे, रोजगार मिले, उनकी सरकार बने। 22 में क्या स्थिति होगी ये इन तमाम लोगों की बातों को सुनकर के आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, गांव में क्या स्थिति है और पूरे अगर हम 3 विधानसभाओं की बात करें वहां के लोग क्या मानते हैं इस बार इस चुनाव में, क्या बड़ा मुद्दा होगा इस पूरे जिले में, ये भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हम इस समय संत कबीर नगर जिले के मगहर कस्बे में हैं। मगहर कस्बे का ये आज़ाद नगर मोहल्ला है और यहाँ पे अगर सबसे अधिक आबादी की बात करें तो निषादों की बिरादरी यहाँ पे सबसे अधिक रहती है। हालांकि पूरे जिले की अगर बात करें तो 2.25 लाख से अधिक निषाद इस पूरे संत कबीर नगर जिले में रहते हैं, जो हर बार सियासत में एक जीत का बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। यहाँ से जो सांसद हैं वो प्रवीण निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे हैं, हालांकि बीजेपी के सिंबल से वो चुनाव लड़े थे और यहाँ से वो सांसद हैं और हर बार कुछ चुनाव में जब भी विधायक चुनने की बारी होती है तो यहाँ के जो निषाद वोटर हैं वो अपने जो मताधिकार है उसका खुलकर प्रयोग करते हैं और यही कारण है कि जितने भी सियासी दल हैं वो इनको अपने साथ लाने की तमाम कोशिशें करते हैं। हालांकि डॉक्टर संजय निषाद इसमें बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ मिलकर वह उत्तर प्रदेश में बहुमत लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम निषाद बिरादरी के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि 22 में क्या कुछ बदलाव होगा या फिर 17 की तरह से फिर बीजेपी के ही कैंडिडेट को ये लोग जिताने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए अपना। हमारा नाम सिद्धनाथ निषाद। ये बताइए, जो 17 में आपके यहाँ से विधायक बने थे बीजेपी से वो तो अब साइकिल की सवारी करना शुरू कर दिए, तो 22 में क्या फिर चेहरा वही रहेगा इस बार या फिर बदलेंगे आप लोग? हम लोग
अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी जो है सरकार, ये हम लोगों के हक देने के लिए 2017 में कही थी, लेकिन 5 साल गुजर जाने वाले हैं, लेकिन ये हक हमारा हक देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग असमंजस में हैं अभी। काम कुछ हुआ कि नहीं आपके यहाँ पे? काम हो या ना हो, काम अपने आप हो जाएगा जब हमारे लड़के जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग तो अपने बदौलत से काम कर लेंगे। जब हमको हमारे लड़कों को आगे बढ़ने के लिए ये सरकार नहीं दे रही है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? आरक्षण की मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, आरक्षण। नाम क्या है सर आपका? धर्मेंद्र निषाद। धर्मेंद्र जी, माहौल क्या है इस बार 22 में? कुछ बदलाव है इस बार जो विधायक हैं या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी आप लोग कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे का बदलाव हम नहीं जानते हैं, हम तो यही जानते हैं सिर्फ ओनली फॉर निषाद पार्टी। निषाद पार्टी जहाँ कहेगी वहीं निषाद समाज का वोट जाएगा। अच्छा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे भी जो भी निर्णय लेंगे, हम लोग उनके निर्णय का स्वागत करेंगे। जिसको कहेंगे उसी को, अगर वो किसी भी पार्टी के साथ समझौता करते हैं, फिलहाल अभी तो बीजेपी के साथ गठबंधन है हम लोग का, और रह गई जो आरक्षण की प्रक्रिया, आरक्षण की प्रक्रिया में वह जो है पैरवी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं आरक्षण के लिए, और बीजेपी आरक्षण देने की बात कही है, वो कह रही है कि मतलब कार्रवाई चल रही है, आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, संभवतः हो सकता है कि आरक्षण बीजेपी दे दे। हम लोग तो एक आशा लगा के बैठे हैं कि बीजेपी आरक्षण दे देगी तो पूर्ण बहुमत से 2022 की सरकार जो है हम लोग मिल के भाजपा के साथ बनाएंगे। अच्छा, नाम बताइए भाई साहब अपना। मेरा नाम अरविंद निषाद है। अरविंद जी, ये बताइए 22 को लेकर के तैयारियां तो तेज हो गई हैं, नेता भी आपके यहाँ पे आना शुरू हो गएंगे, क्या कुछ राजनीति में बदलाव की स्थिति आप देख पा रहे हैं संत कबीर नगर में? क्योंकि 17 में जिस तरह से एक बड़ा बदलाव सपा का गढ़ रहा, पीस पार्टी का ये अगर कहें तो राजनीति का केंद्र रहा, बीजेपी को आप लोगों ने यहाँ पे पूरी तरह से 17 में जिता दिया, 22 में क्या स्थिति है? संजय निषाद का फैक्टर कितना काम करने जा रहा है यहाँ पे? अगर देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 2017 में बहुमत जीती थी, अगर इस समय हमारा जो आरक्षण का मांग है, अगर आरक्षण का मांग जो हम मांग नहीं रहे, हमारा जो संविधान में लिखा है हम वही लेने के लिए कह रहे हैं। ये तो आपके नेताजी मांग ही रहे हैं, लेकिन क्या नेताजी अगर बीजेपी के साथ अभी हैं तो आप लोग भी जुड़े हैं, या फिर जो स्थानीय कैंडिडेट अगर सपा का कोई आपके हिसाब से आया तो उसको आप लोग वोट देंगे? अगर निषाद बिरादरी से कोई आ गया तो उसको वोट देंगे आप लोग? जैसे देख लीजिए, अगर निषादों का मान सम्मान है तो निषाद पार्टी है। अच्छा, अगर देख लीजिए आज तक 4-5 साल पहले निषादों का कोई नाम निशान नहीं था, यही नगर पंचायत में ही देख लीजिए, और इस पूरे जिले में निषादों का कहीं भी मान सम्मान नहीं था, लेकिन जब से डॉक्टर साहब आए हैं और अपने समाज को आज गांव-गांव हमारे जैसे जो लोग हैं जा के जगाए हैं और अपने समाज को जगा करके आज बहुमत, आज कभी भी यहाँ 70 साल हो गया लेकिन यहाँ से कभी निषाद सांसद विधायक कभी नहीं हुआ है, लेकिन आज निषाद पार्टी का दिन है कि यहाँ से एक सांसद है उनके बेटे, और जहाँ भी निषाद पार्टी रहेगी वहाँ निषाद समाज रहेगा। चलिए, ये एक बड़ा अगर कहें तो यहाँ के लोगों की सोच है कि पार्टी जहाँ रहेगी वहीं पे रहेंगे। बिरादरी को लेकर के पहली बार डॉक्टर संजय निषाद ने कुछ आवाज़ उठाई है, तो निषाद बिरादरी के लोग उसको लेकर के काफ़ी उनके साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जनक नंदिनी निषाद। जनक नंदिनी जी, ये बताइए जो सरकार अभी तमाम योजनाएं दे रही है, बिजली, सड़क, पानी, आवास और इसके अलावा तमाम जो राशन की सुविधाएं दे रही हैं, उसका कुछ असर है 22 के चुनाव में या फिर क्या इस बार मुद्दा रहेगा? असर तो है, यह है असर है, दे रही तो उसका तो असर है, यह है। हाँ। लेकिन हमारे मछुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। हमारे मछुआ समुदाय का हक अधिकार जिस दिन दे देगी कोई भी सरकार हो, और जो सरकार केंद्र में वही दे भी पाएगी, मछुआ आरक्षण लागू कर दे, हमारे मछुआ समुदाय का भी हक अधिकार हिस्सा मिल जाए, हमारे समाज के भी बच्चे पढ़े लिख के आगे बढ़ें, हक हिस्सा मिले उनको। प्लेस से कोई उम्मीद नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं उम्मीद है। क्यों? उनके बस की बात ही नहीं है। अच्छा। और राज्य में सिर्फ जब थे मछुआ समुदाय, 2015 का कसरौल कांड अभी तक भूला नहीं है, जो हमारे एक भाई को अखिलेश निषाद को उन्हीं के सरकार में जो है गोली लगी थी। अच्छा। और फर्जी मुकदमे भी अभी तक हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद पे और जो है 37 लोगों पे फर्जी मुकदमा भी हुआ था, अभी भी चल रहा है। और जिस तरह से ओबीसी से
एससी कोटे में लाने की बात डॉक्टर संजय निषाद कर रहे हैं और तमाम जो निषाद बिरादरी के लोग हैं वो एक साथ एकजुट हुए हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम इस संत कबीरनगर ज़िले की बात करें तो एक बड़ी आबादी यहाँ पर निषाद बिरादरी की है और हर बार चुनाव में वो एक बड़ा फैक्टर बनती है जो नेता यहाँ से विधायक बनते हैं उनको जिताने में। तो इस बार भी इस बिरादरी को सहेजने के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम सियासी दलों ने जो दावे हैं जो बातें हैं उनका चारा फेंका है, लेकिन अब ये बिरादरी पूरी तरह से अभी कर रहे हैं तो संजय निषाद के साथ खड़ी नज़र आ रही है। इस इलाके में यहाँ के लोगों की ये मांग है कि अगर इनको आरक्षण मिला और जो भी सरकार आरक्षण देगी उसी के साथ ये लोग 2022 में जाएंगे। आगे कुछ लोगों से और बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर जो एक बड़ी झील बखीरा झील थी उसको लेकर के सरकारों ने कुछ काम किया है कि नहीं, और वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार के चुनाव में या नहीं बनेगा। हम इस समय संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद चौराहे पे हैं। ये इस पूरे कस्बे का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि व्यापारिक रूप से अगर कहें या फिर जो स्थानीय लोगों की खरीदारी की बात करें वो लोग यहाँ पे आकर के खरीदारी करते हैं और यहीं से सिद्धार्थनगर की बात करें या फिर गोरखपुर की बात करें लोग आते और जाते हैं। चुनावी चर्चाएँ शुरू हो गई हैं, नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं और 22 में क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पा रही है या फिर प्रियंका गांधी का जादू भी पूर्वांचल के लोगों पर चल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या खलीलाबाद में एक बार फिर बदलाव की कहानी लिखी जाएगी या फिर 17 वाली स्थिति फिर यहाँ पे दोहराई जाएगी। नाम बताइए सर अपना। देवेंद्र मिश्रा। देवेंद्र जी, क्या इस बार स्थिति है, समीकरण क्या है इस बार चुनाव का? देखिए, कोई समीकरण नहीं है चुनाव में, चुनाव बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश के मतदाता हैं, देश के मतदाता हैं। यह जो वेव उठी है इस वेव को कोई रोकेगा नहीं। कारण क्या है? गरीबों की सुनी गई। हमने भाजपा ने आवास दिया है, भाजपा ने राशन दिया है, भाजपा ने बिजली दिया है, भाजपा ने गैस दिया है। तो भाजपा ने दिया है और भाजपा ने उसमें ब्रोकिंग नहीं किया है कि प्रधान जी के पास जाइए तब मिलेगा। DBTL डायरेक्ट आपके खाते में जाना है। अब उस उत्साह को आप कितना भी गठजोड़ करेंगे, जैसे अन्य दल गठजोड़ पर डिपेंड हैं, समीकरणों पर हैं, राजभर को लाओ, ओवैसी को लाओ, इनको लाओ, उनको लाओ, किसी के आने, पिछली बार ही तो आप लाए थे, आप सपा बसपा मिले समझे हम लूट लिए महफिल, और महफिल तो लूट गई, तो फिर लूटना तय है। लूट के लिए अब इस प्रदेश में और देश में कोई जगह नहीं है लूट। सर इतना आप कॉन्फिडेंस है तो आपके विधायक साइकिल सवारी करने क्यों चले गए? आखिर क्यों उनको लग रहा था कि यहाँ पे अब उनकी याद पूछ नहीं है या फिर वो लग रहा था कि काम नहीं करा पाए? नहीं, काम नहीं करा पाए। काम तो उन्होंने ऐसा कराया, 8000 आवास की चाबी एक बार उन्होंने दिया। स्वतंत्र भारत में इस जनपद में आज तक अखिलेश मुलायम ने 8000 आवास की चाबी नहीं दिया है। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई काम हो सकता है क्या? आप बताइए, पूछिए, कभी दिया 8000 आवास की चाबी? विधायक जी ने दिया हमारे। विधायक जी क्यों चले गए समाजवादी पार्टी? परिवार में आपके, आपका भाई, आपका बेटा कहीं रुट के चला गया, फिर आ जाएगा। सुनील जी हैं बगल में, पहले उसमें थे, आज इसमें आ गए, तो सवाल इनसे पूछिए, सही जवाब दे देंगे, भुक्तभोगी। बात करते हैं, हमारे साथ तमाम सियासी पार्टियों के भी लोग हैं। सुनील सिंह है जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। सुनील जी, अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं जय चौबे, वो आपकी पार्टी में शामिल होंगे, 17 का जादू क्या इस बार यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आपकी पार्टी में वो शामिल हुए हैं या फिर अखिलेश की जो लहर की बात की जा रही है वो यहाँ तक आते आते थमती नज़र आ रही है? आप देख नहीं रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ यहाँ के विधायक नहीं, हमारे पास सूची है, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे पार्टी में आने के लिए आतुर है। क्यों? क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक लहर चल रही है, एक हवा चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है, क्योंकि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कभी कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अब ये रोजगार पे बात नहीं करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम कर देंगे, इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी देंगे, इन्होंने बुलेट ट्रेन देने की बात कही थी, इन्होंने काला धन वापस ला करके 15 लाख रुपया सबके खाते में देने की बात कही थी। आज जनता खोज रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका गांधी पूर्वांचल में एक बड़ा, उन्होंने अगर कहें तो तूफान एक तरीके से कहें तो ला दिया है। बड़ी भीड़ हो रही है उनकी सभाओं में, लेकिन भीड़ राहुल गांधी की सभाओं में भी 17 में होती थी, लेकिन वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील नहीं पाएगी। क्या प्रियंका जी का जादू कुछ है यहाँ पे? जरूर चलेगा। जो 40% आरक्षण महिलाओं को दे रहे, जिस तरह से महिलाओं का हुजूम इस समय आप देख रहे हैं, वो उनका जादू ही है।
जो 2022 पे हावी होगा। अच्छा। और आप देख रहे हैं जो ये झूठी सरकार है अपने इसी बड़बोलेपन से जाएगी। आप यहाँ के सांसद को देख लीजिए, मेहदावल का आप रोड देख लीजिए, यहाँ का रोड देख लीजिए, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। और अगर हमारी सरकार आती है तो यहाँ का शुगर मिल है ये भी चालू कराएगी, और जो 40 जो उनकी प्रतिज्ञा पत्र है वो सारे अपने वादों को पूरा करेगी। 3 दशक हो गए यूपी से आप लोगों के गए हुए, आपको लगता है कि भी पुनः वापसी हो पाएगी आप लोग? एकदम, जो जाता है वो वापस आता भी है, ऐसा तो नहीं है कि जो जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, आदमी जाता है तो घर वापसी फिर होती है। अच्छा। जी हाँ, उम्मीदें हैं काफ़ी इनको, और एक यहाँ के स्थानीय व्यक्ति भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम चमन सिंह है। ये बताइए चमन जी, कुछ संत कबीर नगर के चमन में बहार इस बार आएगी कांग्रेस के, कि या फिर वैसे ही वीराना रहेगा? बिल्कुल आएगी। कांग्रेस ने 70 साल इस देश को जतन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में इस देश का पतन किया है, तो बिल्कुल चमन की बहार आएगी संत कबीर नगर की धरती पे। क्योंकि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक समाजवादी पार्टी में चला गया है, तो किन कारणों की वजह से वो समाजवादी पार्टी सरकार में गए हैं? और ये आदरणीय हमारे बड़े भाई सुनील सिंह जी कह रहे हैं कि 2022 में आने वाली सरकार हमारी होगी, किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि आने वाली सरकार 2022 में होगी? जब कोरोना का समय था तो आपके नेता घर में बैठे थे, आप लोग घरों में बैठे हुए थे, जब देश में इस गूंगी भांगी बाहरी सरकार ने सी और एनआरसी ऐसे मुद्दों को देश में प्रभावी रूप से ढंग से लागू किया, तो अखिलेश यादव का मुंह क्यों नहीं खुला? तब हमारी नेता प्रियंका गांधी सड़कों पर लड़ करके और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया। इसलिए मुझे यह विश्वास है, मुद्दे और प्रदेश स्तर के मुद्दों पर तो चर्चाएं बड़ी हो रही है, चैनलों पर डिबेट भी इसको लेकर, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कभी बात होती नहीं है और ये मुद्दे चुनाव में कभी उतने प्रभावी भी नहीं हो पाते। नाम बताइए सर अपना। सैयद मुमताज अली। यहाँ पे जो बुनकरों की समस्या थी उसको खत्म करने का काम या उसको समझने का काम किसी सरकार ने किया क्या इसके पहले? नहीं, इसके पहले कांग्रेस में सही था, कांग्रेस में सही था, सपा की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, कुछ हुआ बुनकरों को लेकर के, कुछ काम किया गया यहाँ पे? कुछ नहीं किया गया। नहीं। आपको भी लगता है सर कि कुछ काम हुआ खलीलाबाद में डेवलपमेंट को लेकर के, कुछ ये चीज़ें दिख रही हैं आपको यहाँ पे? काम तो कुछ नहीं हुआ, इधर आप चले जाइए मेदावल पूरा सब गड्ढा, इधर चले जाइए इधर गड्ढा, चारों तरफ गड्ढा ही है। गड्ढा मुक्त करने की बात हुई थी, सब गड्ढा युक्त है, आप चारों तरफ देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ है, गिनाने के लिए कुछ नहीं है। दोनों लोग गठबंधन बना के चल रहे हैं अपरोक्ष रूप से, बाल में जा करके फिर ऊपर जाके मिल जाएंगे, वही हाल बसपा का है, कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। हाँ, तो 22 में कुछ बदलाव देख पा रहे हैं आप खलीलाबाद में अगर हम बात करें? अब बदलाव तो यहाँ का विधायक ही जब सपा में चला गया तो बदलाव दिख नहीं रहा है। 22 में क्या इनका मूड है, किस तरह से इस बार अपने विधायक को चुने जा रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। नाम बताइए सर अपना। भोला प्रसाद। भोला जी, ये महंगाई क्या इस बार के चुनाव में मुद्दा बनेगी? आप लोगों का जो कारोबार है वो धीरे धीरे अब खत्म होने के कगार पे है, हालांकि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश कितना रंग ला रही है? कोशिश सरकार कर रही है कि रंग लाई है, रंग क्यों नहीं लाई है? अरे कम से कम नहीं तो 20-25% तो रंग ले ही आई। अच्छा। हाँ, इसके पहले की सरकारों ने कुछ काम किया था इस उद्योग को बचाने के लिए? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं किया और न उसके लिए कोई लाभदायक काम किया, बस आया सुना गया, आया समय पर वोट मांगा और फिर उसके बाद कान में तेल डाल दिया चला गया। क्या नाम है आपका? महादेव प्रसाद। महादेव जी, कुछ परिवर्तन आया है 5 सालों में, बदलाव कुछ बर्तन उद्योग का बखरा में बदला है? हाँ, कुछ बदलाव तो आया, लेकिन जब तक नया कारखाना नहीं चालू होगा तब तक बदलाव कैसे आएगा? ये पुराना रिपेयर कब तक चलेगा? नया माल बनने पर ही जो है बदलाव आएगा। अच्छा, अखिलेश की सरकार जब थी 12 में यहाँ पे और पप्पू निषाद यहाँ से विधायक थे, तो उस दौर में सरकार ने कहा था कि बर्तन उद्योग को बखेरा को फिर से उसका गौरव दिलाएंगे। सपा की सरकार में कुछ काम हुआ था? कुछ नहीं हुआ, सपा के सरकार में कोई काम नहीं हुआ, केवल खाना पूर्ति का काम हुआ और क्या। जितने भी पुराने बर्तन के कारोबारी हों या फिर उसको बनाने वाले हों या फिर जो नए बर्तन के कारोबारी हैं जो इस पेशे में अब आ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि जिस तरह से ODUP में शामिल किया इस प्रोडक्ट को पूरे संत कबीर नगर से यूपी सरकार ने, उसके बाद से इसके दिन अब बहुर रहे हैं और जो लोग इसको छोड़ चुके थे वो भी अब एक बार फिर से इस उद्योग में अपनी वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे में हज़ारों लोगों के रोज़गार का एक बड़ा साधन बना है और यही कारण है कि 22 में यहाँ के लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। और पूरे अगर हम इस विधानसभा की बात करें, मेहदावल विधानसभा की बात करें, तो यहाँ की एक बड़ी आबादी इस विधानसभा की बखीरा कस्बे में रहती है और बखीरा का जो बर्तन उद्योग है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं पीढ़ियों से इस काम को करते चले आ रहे हैं, पिछली सरकारों ने यहाँ पर इस उद्योग को
लेकर के सिर्फ दावे किए कि आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे नई मशीनें और नए तरीके की टेक्नोलॉजी का उनको प्रयोग करने का काम दिया जाएगा, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत आज यहाँ के व्यापारी अब ये उम्मीद जरूर पाल रहे हैं कि 22 में जो बदलाव है उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ा क्रांतिकारी होने जा रहा है, और बखीरा का जो बर्तन उद्योग है वो आने वाले 2 से 3 सालों में एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को वापस पा लेगा, और यही कारण है कि 22 में वो फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहते हैं। संत कबीर नगर जिले से आज बस इतना ही, मुझे और मेरे वीडियोनिस्ट प्रदीप बोल को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।